हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम सिंह चैनल और मैं हूं नीलम। तो आज मैं लेके आई हूं आपके लिए बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि बहुत दिन से बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दी आप प्लीज अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन को आप शेयर कीजिए हमारे साथ। तो मैं बहुत दिन से सोचते तो चलिए विंटर स्टार्ट हो गई, तो मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है कि मैं अपने स्किन केयर रूटीन को शेयर कर लूँ, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गई है और विंटर में हमें अपनी स्किन की ज़्यादा देखभाल की जरूरत होती है, ये तो यू नो। और सबसे मेन होता है ये कि विंटर में लगती है बहुत सारी ठंड मॉर्निंग में, और हम चाहते हैं कि कोई ऐसा सिंपल सा रूटीन हो जो हम फॉलो कर सके और इजीली तरीके से हमें ठंड भी ना लगे और हम अपने स्किन की देखभाल भी कर लें। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए, तो इसलिए बिना स्किप किए कंटिन्यू पूरे वीडियोज को देखिए, तो आपको समझ में आएगी कि इतनी सिंपल स्किन रूटीन भी हो सकती है जो इजीली कोई भी फॉलो कर सकता है, ये कोई भी स्किन के टाइप के लोग फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी रूटीन जो है मॉर्निंग की विंटर में वो कैसी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए कि मैं अपने जो मॉर्निंग रूटीन है वो किस तरह फॉलो करती हूँ। चलिए अपनी मॉर्निंग की जो रूटीन है वो शुरू करते हैं हमेशा की तरह। यहाँ पे सबसे पहले अपने हेयर को मैं सिक्योर कर लूँगी, क्योंकि जब भी मैं फेस वॉश अपना करूँ या कोई भी फेस में पैक लगाऊँ तो हमारा जो हेयर है वो गंदा नहीं हो, तो इस तरह सिक्योर कर लेंगे। अब मैं अपने फेस को वॉश करूँगी फेस वॉश से। यहाँ पे मैंने तुलसी नीम फेस वॉश लिया है पतंजलि का, ये मैं हमेशा से ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ही पसंद है, मुझे कोई और ब्रांड लगाना पसंद नहीं है। अगर आप कोई और ब्रांड लगाती हैं तो आप लगा सकती हैं, बट नीम और तुलसी ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ख़ासतौर से उनके लिए जिनके फेस पर पिम्पल्स की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। इसे अपने फेस पे कम से कम 30 सेकेंड आप इसी तरह रब करें, उसके बाद ही वॉश करें। बहुत लोग होते हैं कि फेस वॉश फेस पे लगाए अच्छी तरह फेस पे लगता भी नहीं है और वॉश कर लेते हैं, ऐसा मत करें। इसे अपने फेस पे अच्छी तरह इस तरह 30 सेकेंड तक इस तरह सर्कुलेशन मोशन में मसाज करते हुए अपने फेस को धोएं, इससे आपका फेस बिल्कुल डीपली क्लीन हो जाएगा। और उसे सुखाने के लिए हमेशा साफ़ टॉवल का ही यूज़ करें, छोटे साइज के फेस को रगड़ रगड़ के नहीं सुखाएं, हल्के थपथपाते हुए अपने फेस को सुखा लें इस तरह। ये देखिए फेस एकदम क्लीन हो गया। अब आप कोई भी पैक जो भी आप अप्लाई करती हो वो आप कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी आज टमाटर और शुगर का स्क्रब। तो इस तरह मैंने हाफ टमाटर लिया है, उस पर मैं थोड़े से दानेदार शुगर डालूंगी, शुगर के साइजेस बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे दाने होने चाहिए, और इसे अच्छी तरह इसमें डिप करके और अपने फेस पे स्किन पे 2 से 3 मिनट तक इसको रब करूंगी। अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो आप 5 मिनट के लिए भी इसको अपने स्किन पर इस तरह रगड़ सकती हैं। इस तरह स्क्रब करने के बाद आप अपने स्किन को ये देखिए इसी तरह रब रब करते रहिए। आप चाहे तो इसे नेक पे हैंड पे भी कर सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ फेस में ही इसको आपको करके दिखा रही हूँ। तो इससे आपके फेस बहुत डीपली क्लीन होता है, टैनिंग की प्रॉब्लम दूर होती है, साथ ही आपके फेस से एक्ने की प्रॉब्लम दूर होती है, आपके स्किन से पिंपल्स जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं वो दूर होते हैं, दाग धब्बे दूर होते हैं इससे, और आपका स्किन बहुत ही ग्लोइंग नेचुरल और बहुत सुंदर लगता है। तो ये देखिए मैंने इसे भी ठंडे पानी से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं स्किन कितना क्लीन क्लीन सा लग रहा है। अब यहाँ पे मैं जो लास्ट मेरा इंग्रेडिएंट्स है वो है यहाँ पे चंदन का पाउडर। यहाँ पे मैं लास्ट एक पैक लगाती हूँ चंदन का पाउडर, ये डेली मैं नहीं लगाती बट आज मैं आपको बता रही हूँ, मैं कभी कभी इसको अप्लाई करती हूँ। सिर्फ चंदन का पाउडर रोज़ वाटर के साथ लगा के एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे और इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। चंदन का पाउडर अपने फेस पे लगाने से आपके फेस पे एक शीतलता लगती है कि ठंडे ठंडे से शीतलता जैसी महसूस होती है, और आपका स्किन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। ये चीज़ लगाने से पिंपल्स के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, आपके स्किन पे अगर यहाँ पे छोटे छोटे दाने निकले हुए हैं वो भी इजली क्लीन हो जाएंगे। और इस तरह आप अपने इसमें कोई और चीज़ लगा के नहीं लगाना है, बस इसे आप इसी तरह, क्योंकि इसे हम डेली अपने फेस में अगर आप लगा रही हैं तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के आपको नहीं लगाना है,
क्योंकि इतना टाइम मॉर्निंग में हमारे पास नहीं होता। अब इसे हम अपने फेस पे सूखने देंगे। अब आप सोचेंगे कि ये घंटे अपने फेस पे सूखने देंगे, टाइम कहाँ है। तो चलिए इतने दिन में अपने हम रूम को अरेंज कर लेते हैं, जो कि मॉर्निंग में हमारा रूम थोड़ा सा बिखरा रहता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो फेस में इसे लगाने के बाद थोड़ा बहुत आप अपने रूम को ठीक कर लीजिए। इतने टाइम में वो आपका फेस जो है, जो आपने चंदन पाउडर लगा के रखा है, वो इजीली तरीके से आपके फेस से सूख जाएगा। क्योंकि जब तक आपका पैक सूखता नहीं है तो आपको अपने फेस से उसे नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसके धोने के कोई फायदे नहीं है। तो ये आपके फेस से जब सूख जाए तो ही धोना है। तो इस तरह मैंने सारे रूम को इस तरह अरेंज कर ले रही हूँ। जब तक टाइम है आप भी ऐसा ही करें। तो ये देखिए स्किन पे आपने देखा कि काम करते करते मेरा जो चंदन पाउडर है वो सूख गया है। अभी से मैंने ठंडे पानी से वॉश कर लिया है, फिर इसे हल्के हल्के हाथों से सुखा लेंगे। अब मैं अपने फेस में सबसे पहले अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइजर। यहाँ पे मैंने गार्नियर का मॉइस्चराइजर लिया है और इसे थोड़ा सा अपने हैंड में एक ड्रॉप लूंगी और इसे उंगलियों से रब करूंगी पहले, फिर पूरे फेस पे इसे अप्लाई करूंगी। आप इसे अंडर आई एरिया में, अप एरिया में, लिप के पास, सब जगह अप्लाई कर ले और हो सके तो हल्का सा इसे मसाज कर ले। क्योंकि मैं, आपने देखा होगा, मैं सुबह शाम फेस में मसाज करती हूँ, बहुत ज़्यादा देर नहीं, लेकिन 2 मिनट तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं। अपने फेस पे आप 2 मिनट इसी तरह मसाज कर लीजिए, ताकि जो तेज जो हमारा मॉइस्चराइजर अच्छी तरह ऑब्जॉर्व हो जाए हमारे फेस में। और एक छोटी सी थपकी लेते हुए इस तरह अपने फेस को हम मालिश करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है सनस्क्रीन। ये देखिए सनस्क्रीन अपने फेस पे मैं थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, बहुत ही एक ड्रॉप अप्लाई करूँगी पूरे फेस पे और इसे अच्छी तरह आई वाले एरिया पे, अंडर आई वाले एरिया पे अच्छी तरह अप्लाई कर लेंगे। इस तरह और पूरे अच्छी तरह मिला लेंगे अपने फेस पे। तो इस पर मैं इतना ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने फेस पे अच्छी तरह मिला लिया है। अब बारी आती है लिप की, कि लिप पे मैं क्या लगाऊँ। तो यहाँ पे मैंने हिमालय का लिप बाम लगाया है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं लगाती। तो ये है हमारी डेली मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, खासतौर से विंटर में, जो बहुत ही सिंपल है, कोई भी फॉलो कर सकता है। तो ये रहा मेरी मॉर्निंग रूटीन, जो कि कितनी सिंपल है, कितनी इजी है और कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं है इसमें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और मुझे पता है कि आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया और कोई ज़्यादा प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करती। मैं बस जो सिंपल से प्रोडक्ट होते हैं वही यूज़ करती हूँ, जो कि हमारे स्किन के लिए ज़रूरी है, ना कि बाहर की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। करते करते बहुत सारे खुद ही केमिकल अपने फेस पे थोप लेते हैं और इसे कहते हैं कि ये हमारी स्किन के लिए अच्छा है। बिल्कुल नहीं, स्किन के लिए हमें जितनी चीज़ें चाहिए उतनी ही लगाओ, घर में फालतू की चीज़ें आप मत लगाया करो। तो बस मेरी जो स्किन केयर रूटीन है आपको कितनी अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए इसी तरह नए इंटरेस्टिंग और भी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।